नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनआर्ट में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल सा एक स्लिंग बैग। तो देखिए, ये मैंने दो पीसेस ले लिया है, दो पीसेस मैंने बिल्ड कर लिया है। ये मैंने पीछे जो मैंने नॉर्मल वन यूज़ किया है, वो मेरी पुरानी सिम बोरी थी उसका यूज़ किया हुआ है, और ये प्रिंटेड पीस है, तो इसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन भी नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है, ये स्ट्रिप ले ली है मैंने, ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। ये है तकरीबन 50 इंचेस की स्ट्रिप है हमारे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ये हम साइड में रख लेंगे। तो पहले तो हमें इसको हम बस चारों तरफ से हमें ये 1x1 इंच का स्क्वायर कट कर लेना है। चारों तरफ से हम 1x1 इंच का स्क्वायर कट कर लेंगे, सेम इधर इधर और यहाँ से भी चारों तरफ हम स्क्वायर कट कर लेंगे 1x1 इंच का। इसके साइजेस मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने साइज लिया है इसका, ये है 10x8.5 इंच। इसकी लंबाई 10 इंच है, 10 इंच लंबाई है, और चौड़ाई इसकी 8.5 इंच है, 8.5 इंच चौड़ाई कट कर लेंगे। देखिए हमारा ये कटिंग करके रेडी है। मैं हमने चारों तरफ से ये कट कर लिया है, यहाँ से भी इस पीस को भी हमने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये मैंने जिप ली हुई है, ये 7 इंच की जिप है। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है 7 इंच की जिप है, ये 7 इंच ये जिप हमें इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे। ये प्रिंट के हिसाब से हम उल्टा रखेंगे, इस तरीके से हमें ये यहाँ पे जिप लगा लेंगे। देखिए हमारी जिप अटैच हो चुकी है, जिप अटैच हो चुकी है यहाँ पे दोनों साइड से। यहाँ पे मैंने क्रॉस स्टिच भी कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे और दूसरा सिरा हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, हम ये तीनों साइड ये और ये यहाँ पे हमें पहले सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम ये इस तरीके से अटैच करेंगे और उसके साथ हम बेल्ट भी अटैच कर लेंगे। देखिए तीनों तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है यहाँ से। अब हम ये जिप खोलेंगे, इसके अंदर ये बेल्ट डालेंगे। देखिए हमें ये बेल्ट अंदर की तरफ डालना है, अंदर की तरफ डाल दिया। अब ये इसका एक सिरा हम इस साइड से निकालेंगे, और ये जो हमने चौकोर पार्ट बनाया था, ये इसको इस तरीके से मिला के हमें ये बेल्ट के साथ यहाँ से सिल देना है। तो ये हमारी बेल्ट भी अटैच हो जाएगी और फिर हमारा ये भी हो जाएगा। हम जैसे फिर हम ऐसे उल्टे करेंगे तो फिर बेल्ट अपने आप बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम करेंगे, सेम इसी यहाँ पे भी हमें बेल्ट बाहर निकालना है और यहाँ पे बेल्ट अटैच करना है, और नीचे के साइड ये जो है नीचे के साइड हम ये सिंपल सिलाई लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे सिंपल सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारे चारों कोनों पर सिलाई हो चुकी है, यहाँ पे भी है, देखिए हमारा बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी हो गई है, और इसका शेप कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हम ये सीधा करके देखते हैं। देखिए हमारे बैग सीधी हो चुकी है, इसके बेल्ट भी बाहर आ गए हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, ये देखिए। और ये है इसका जिप पार्ट, देखिए यहाँ से अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ से दिखेगा अच्छे से, आपको मोबाइल वगैरह आप सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए आपको कैसा लगा ये बैग, काफ़ी जल्दी और आसान सा बन जाता है ये बैग। आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।